ऑयल की बात सीता आपने की, जो कुकिंग ऑयल है, तो उसको लेके भी जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है, स्पेशली हार्ट से रिलेटेड या थोड़ा बीपी वगैरह बढ़ गया, तो इसमें ये कहा जाता है कि भाई आप है ना ऑयल जो है या तो बिल्कुल बंद करो या उसको कम करो। और ऑयल में भी बहुत सारे ऑयल्स हैं आज मार्केट में, हमारे पुराने टाइम से हम लोग यूज़ करते हैं, सरसों का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, ओलिव ऑयल है। तो न्यूट्रिशन साइंस के अनुसार में जो सबसे अच्छा उपयुक्त तेल है खाना पकाने के लिए, वो कौन सा माना जाता है? सर ऐसा था, जैसे हम घुटनों की बात कर रहे थे, तो जब ये समस्या इंडिया में 1980s के आसपास विजिबल होनी शुरू हुई, पहले तो कहीं कहीं थी, लेकिन उसके बाद थोड़ा जब इसका 1980s के बाद थोड़ा जो विजिबल होनी शुरू हुई, जिसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, तो उसमें फिर डॉक्टर्स ने क्या किया कि देसी घी से निकाल के लोगों को रिफाइंड पे डाला ब्लड प्रेशर के चक्कर में। जब ये समस्या थोड़ी गंभीर होनी शुरू हुई ऑस्टियोआर्थराइटिस की, जब ये घुटनों की समस्या थोड़ी बड़ी हो गई, तो फिर डॉक्टर्स ने क्या किया कि डॉक्टर्स ने बोला कि आप ऐसा करो कि एक महीना ये तेल खाओ, एक महीना ये खाओ, एक महीना ये खाओ, एक महीना ये खाओ, पांचवें महीने दोबारा इसी तेल। अच्छा, चेंज करते रहो। बिल्कुल चेंज करते रहो, राइट सर। जब इससे भी कोई हल नहीं हुआ, तो फिर डॉक्टर्स के पास कोई समाधान नहीं था, तो फिर क्योंकि सर होता क्या है कि जो हमारे डॉक्टर्स हैं, मैं उनको मतलब आई रिस्पेक्ट अ लॉट, क्योंकि मेरे घर में दो डॉक्टर्स हैं, तीन डॉक्टर हैं इनफैक्ट, तो मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन ये डॉक्टर का फील्ड नहीं है न्यूट्रिशन। तो अगर मैं WHO को देखूं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शंस पे चलूं, या मैं गूगल के ऊपर, मैं लेमैन हूं, मेरे को किसी का सुनना नहीं है, मैं बिल्कुल लेमैन हूं, मेरे पास गूगल है, अगर मैं गूगल पे टाइप करूं वर्ल्ड्स हेल्दीएस्ट कुकिंग ऑयल या वर्ल्ड्स बेस्ट कुकिंग ऑयल, तो जो सामने ऑयल आएगा वो आएगा राइस ब्रैन। अच्छा, इसके पीछे दो तीन वजह दी हुई है सर, साइंटिफिक है ये। सबसे पहली वजह तो ये है कि उसके अंदर पूफा तो है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड तो है ही, मूफा का भी एक अच्छा खासा रेशियो, राइट। दूसरी वजह ये है कि ऑयल क्यों खराब होता है, ऑयल इसलिए खराब होता है जब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडाइज का मतलब होता है कि उसके अंदर से जो तत्व है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं और वो जो है वो फ्री रेडिकल बनाना शुरू कर देता है। जैसे हम लोग अक्सर जी जिसको जब इसको गर्म किया जाता है, तो ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ये होते हैं सर उस ऑयल को हीट करने के लिए। तो जो रिसर्च हुआ है, जिससे पता चला, वो ये पता चला है कि जितने भी हम लोग अपने घर पे खाना बनाते हैं, हमारा जो गैस है हमारे घर पे, उसका जो फ्लेम का टेम्परेचर जो नॉर्मली जाता है, वो जाता है 160 से लेके 190 डिग्री के आसपास, 90 डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड जिसको बोल देते हैं। जो हलवाई लोग हैं, जो केटरिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि उनकी जो भट्टी है वो बड़ी होती है ना, तो उनका जो भट्टी का टेम्परेचर है वो 220-240 के आसपास होता है। राइस ब्रैन ऑयल जो है ये इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि इसका जो स्मोक पॉइंट है, जो धुआं, जब ऑयल धुआं छोड़ना शुरू कर देता है, इसका जो स्मोक पॉइंट है वो 245 से ऊपर है। अच्छा। इसको मतलब अलग अलग कंपनीज का देखा गया है, तो 245 से लेके 257 डिग्री के बीच में इसका स्मोक पॉइंट है। तो इसका मतलब ये है कि जब जो लोग राइस ब्रैन ऑयल में खाना बनाते हैं, उनका तेल कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता। अच्छा। इसका मतलब उनका तेल खराब नहीं होता है, तो इट इज द बेस्ट कुकिंग।